सभी लोगों को प्रणाम। उम्मीद करते हैं सब लोग सेफ और सिक्योर हों, सब लोग स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। और आज जो है फेसबुक लाइव मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे कर रहा हूँ और आप लोगों से चाहता था कि मैं साझा करूँ। हालांकि शुरुआत के ही दौर से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हर एक प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार के बाहर जो फंसे हमारे शर्मवीर जो कोरोना के योद्धा हैं, मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको बिहार लाने का काम हो, इसके लिए चाहे तन मन धन जो लगे हम लोग पूरी तरीके से लगाए हुए हैं। और आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि एक गाइडलाइंस आया है जो कि गृह मंत्रालय का है और MHA का गाइडलाइन है। और MHA के गाइडलाइन आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो नियमों का हवाला शुरू में पहले जो देते थे कि MHA जो है हस्तक्षेप करके जो है उन्होंने कहा कि हमारे हस्तक्षेप से जो है MHA ने गाइडलाइन में तब्दीली लाई और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद भी किया था होम मिनिस्ट्री को कि आप लोगों ने गाइडलाइन बनाई है, इससे जो है बसेस या ट्रेन जो यातायात जो मजदूर जो बाहर फंसे हैं वो वापस आ सके। अब नीतीश जी और सुशील मोदी कहते थे कि भाई ये बिहार सरकार और नीतीश जी की हस्तक्षेप के वजह से जो है गाइडलाइन में तब्दीली हुई है। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि एक और गाइडलाइंस आई है जो अजय भल्ला हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के हैं, उनके द्वारा एक और गाइडलाइंस आई है होम मिनिस्ट्री की। मैं आपको दिखा दूँ, साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा ये गाइडलाइंस है और लाल में जो ब्रैकेट करके जो है इसमें जो डिटेलिंग है जो मैं आपको साझा करूँगा ये बताऊँगा। Aforesaid orders is meant for such distressed persons but does not extend to those categories of person who are otherwise residing normally at places other than the native places for purpose of work etc. and who wish to visit their native places in normal courses. Yani ye jo guideline hai saaf taur pe ye batata hai कि जो बिहार के बाहर जो गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं और जो घर वापस आना चाहते हैं, वापस अपने घर आना चाहते हैं बिहार, इनको अनुमति नहीं दी गई है, इनको परमिशन नहीं दिया गया है। पहले एक गाइडलाइन आया था जिसमें कि छूट दी गई थी, जो नीतीश कुमार जी श्रेय दिखा रहे थे कि मेरे कहने से जो है गाइडलाइन में MHA ने परमिशन दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अब जो है, आज नीतीश कुमार जी रेलवे का हवाला दे रहे थे, हम लोगों ने 50 ट्रेन जो है किराया नीतीश कुमार जी को कहा कि आप ले लीजिए और हमारे बिहार के लोगों को लाइए। उसमें भी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार जो है पैसा नहीं देगी। अप्रत्यय अमृत कहते हैं, जो नोडल अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देगी। अब कहते हैं हमारे दबाव में, हम लोगों के दबाव में कि जो है किराया जो है आने के बाद देगी सरकार, लेकिन अभी जो किराया वो दे दे। रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि किराया स्टेट को एडवांस में खरीदना है और टिकट भी एडवांस में खरीदना है और किराया जो है रेलवे को देना है। कोई भी रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं मिल रहा, जब टिकट मिल ही नहीं रहा तो आएंगे कहाँ से। और टिकट बिहार सरकार कहती है कि हम जो किराया जो है हम आने के बाद देंगे। अरे आएंगे तभी तो जब उनको टिकट मिलेगा। तो हम लोगों के दबाव में जब हम लोगों ने कहा तो वो कहते हैं कि ठीक है आने के बाद पैसा देंगे, ठीक है बड़े खुल करके कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये जो गाइडलाइन अब आया है, अभी तुरंत मिला है मुझे, ये बिहार सरकार, ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये लिखा गया है कि जो मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं वो अगर घर जाना चाहे तो उनको ये अनुमति नहीं देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आप किसके हस्तक्षेप से ये ऑर्डर निकाला गया,
क्या ये आपका था, आपकी राय थी, क्योंकि आप उनको लाना नहीं चाहते? ये नया ऑर्डर किस लिए आया है? इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी वर्कर को जो मजदूर है, अगर नेटिव प्लेस घर जाना चाहता है तो उसको अनुमति नहीं है, लेकिन टूरिस्ट लोगों को है अनुमति आने में। ये पूरी तरीके से हमारे देश को, बिहार के लोगों को उलझा करके रखा है सरकारों ने, पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा है। और साफ तौर पे ये मंशा दिखाता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि बिहार के लोग, जो गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हैं, वो वापस आ सके। ये ऑर्डर है साफ तौर पे। इसमें लास्ट में आप देखिएगा, पढ़े होंगे, टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, ये निर्देश दे दिया गया। अब नीतीश कुमार जी से हम सवाल पूछते कि किसके हस्तक्षेप से यह ऑर्डर निकाला गया? हमारी मजदूरों से बात होती है, सभी लोगों से बात हो रही है, वो कहते भैया हम एक साल तक अब हम जाएंगे नहीं काम करने। जिस प्रकार का व्यवहार, रवैया इन लोगों ने अपनाने का काम किया है, ये किसके दबाव में किया है? क्यों ऑर्डर ऐसा निकला है? कहां से खाएंगे वो मजदूर? कहां रहेंगे? रोड पर रहेंगे? गरीब है तो मरने के लिए छोड़ दो, बिहार के लोग है तो मरने के लिए छोड़ दो। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में, बिहार में और केंद्र में आपका एनडीए की सरकार है, यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, सारा किराया जो है अगर आप नहीं दे सकते तो हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है हम लोगों का सहयोग लीजिए। हमने 50 ट्रेन और 2000 बसेस का जो कहा है उसको तुरंत लाने का काम कीजिए। और किराया जो है आप स्पष्ट रूप से बताइए, रेलवे का गाइडलाइंस कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। कहां से लेगा मजदूर ट्रेन? आप एडवांस में ट्रेन, अगर आप कहते हो कि बिहार सरकार देगी तो आप टिकट जो है एडवांस में बुकिंग कराइए उनका रेलवे में, लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे बिहार के मजदूर चाहे कन्याकुमारी से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर फंसे हैं तो एक एक मजदूर को बिहार सरकार को वापस लाने का काम करना है। हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है आपको हम लोग लगातार सहयोग करते रहे इस कोरोना, इस महामारी में सारे दिशा निर्देशों का पालन करते रहे, लेकिन आप लोग जो है उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। बिहार में भूख से 6 लोगों की मौत हो गई है, कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है, भूखे छोड़ दिया है लोगों को, अनाज वितरण में आपका जो है राशन वितरण में धांधली हो रहा है। ये गाइडलाइन आपको दिखाना चाहूंगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आज के पेपर में दैनिक भास्कर में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं दैनिक भास्कर में क्या छपा है उस गाइडलाइन के बाद। गाइडलाइन में संशोधन हुआ है, केंद्र गृह मंत्रालय ने कहा है वही घर लौटेंगे, मतलब इसमें साफ है कि केंद्र गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन से बिहार के 28 लाख प्रवासियों की घर वापसी हो गई मुश्किल। पढ़ सकते हैं, ये नई गाइडलाइन कहां से आ गया? नीतीश कुमार जी बताए किसके हस्तक्षेप से ये नई गाइडलाइन है? इस दुख के घड़ी में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है सड़कों पे नजर आ रहे हैं, चाहे केरल के हों, बंगाल के हों, या झारखंड के हों, या राजस्थान के हों, या यूपी के हों, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहीं नहीं नजर आ रहे। पूरी तरीके से व्यवस्था चौपट हो गई, आइसोलेशन सेंटर्स बर्बाद हो गया है, बना ही नहीं है ढंग से, सफाई नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, ना टेस्ट किट्स है, ना वेंटिलेटर्स है, ना डॉक्टर के लिए जब डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पीपी किट्स नहीं दे सकते तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए पीपी किट्स बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास। जितने भी योद्धाएं हैं कोरोना के, डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, सब्जी बेचने वाले हो, दूध बेचने वाले हो, फल बेचने वाले हो, या अदर एसेंशियल सर्विसेज जो कर रहे हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस तरह का रवैया अपने लोगों के साथ
जो गरीब है, जिन्होंने सत्ता चुना, जिन्होंने बीजेपी के 40 में से 39 सांसद चुने, नीतीश कुमार जी को 15 साल का मौका दिया, आपदा के घड़ी में जब उनका साथ देना चाहिए था, इस दुख के घड़ी में सहयोग करना था, गले से लगाना था, वहीं इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, वापस नहीं ला रही है सरकार। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि सरकार को जगाने का काम करें। कोई अधिकारी, नोडल पदाधिकारी इन लोगों ने बना रखा, सबके नंबर ऑफ आते हैं और सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए कब चेक देना है नीतीश कुमार जी? 50 ट्रेनों का किराया राष्ट्रीय जनता दल देगी, बताइए कब भेजना है? आप स्वीकार कीजिए, लेकिन कोई सहयोग ही नहीं लेना चाह रहे विपक्ष से, और ना किसी को सहयोग कर रहे, और गाइडलाइन से हम लोग बंधे हुए हैं कि राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है, वही टिकट खरीद सकते रेलवे का। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये गाइडलाइंस आए कहां से? गाइडलाइंस आए नीतीश कुमार जी को? सवाल जो है, मैं चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से सामने आकर के बिहार के सामने जो है झूठ जो बोलने का काम किया, जो अंधेरे में रखने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, आकर के माफी मांगना चाहिए और गलती को सुधार करके बेहतर काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेकर के इन लोगों को, लोगों की मदद करनी चाहिए। कहां से बेचारे इतने, 25 लाख तो सरकारी आंकड़ा है, 27 लाख, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा हो सकता है 40 लाख हो। वहां जो मकान मालिक उनको भगा रहा है, किराए का पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, पेट खाली है, जो फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्री का मालिक है, वो एक भी वेतन नहीं दे रहा लोगों को, पैसा नहीं दे रहा। मालिक अमीर सब जो है आराम कर रहे हैं, मरने के लिए कोरोना में गरीबों को छोड़ दिया है, ना इनकी सुविधाएं देखी जा रही है, ना इनकी चिकित्सा देखी जा रही है, ना इलाज की व्यवस्था की जा रही है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से यही मांग करेंगे कि आप आगे राष्ट्रीय जनता दल 50 ट्रेन का किराया देगा, और अभी हम लोग सुन रहे हैं कि किराया जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दे, एडवांस में बुकिंग कीजिए, पैसा कम पड़े तो हम लोग जुटाने का काम करेंगे, आपको किराया देने का काम करेंगे, लेकिन आगे से ये गाइडलाइन का बहाना मत दीजिएगा। पहले नियम का हवाला देते थे कि नियम में तब्दील करा दिए, नियम नहीं था तो नियम मेरे कहने से बना, तो ये नियम किसने बनाया, किसके कहने पे बना? अब आगे की भूमिका मत रचिएगा, ये आगे की भूमिका इसलिए होगी फिर इस नियम का हवाला देंगे, बोलेंगे कि हम तो मजदूर को ला ही नहीं सकते क्योंकि गाइडलाइन आ गया है केंद्र सरकार का। गाइडलाइन का हवाला कुछ नहीं चलेगा, मजदूरों को आप लेकर के आइए, हम लोगों से जो सहयोग चाहिए आप मांगिए, पूछिए, हम लोग हर एक तरीके से सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे गरीब मजदूर को, एक एक मजदूर को आप जो है बिहार लाने का काम कीजिए। बेशक आप क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन क्वारंटाइन में सुविधा भी देखिए, टेस्ट पूछिए केंद्र सरकार से कि कितना वेंटिलेटर दे रहा है, कितना टेस्टिंग किट दे रहा है, किस बात का डबल इंजन का सरकार है, जहां गरीब असहाय लोगों को दुख के घड़ी में मदद नहीं कर सकते, ये बाकी क्या काम करेंगे? 500 करोड़ रुपया है इनके पास विज्ञापन में मुंह चमकाने के लिए, 24,000 करोड़ रुपए की योजना, जल जीवन, जीवन की बात कर रहे हैं, यहां लोग मर रहे हैं और आपके पास किराया देने के पास पैसा नहीं है, और जल जीवन में आप 24,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं मेहुल चौकसी जैसे लोगों को, 68,000। गरीबों के लिए मदद के लिए 64,000 से 65,000 करोड़ रुपए चाहिए पूरे देश भर में, यह रघुराम राजन जी ने कहा जब राहुल गांधी जी से वार्ता हुई, तो
देश छोड़कर भगौरे जितने भाग गए लूट करके देश को, बैंकों को, उनका माफ। और हमारे गरीब मजदूर मरते रहे कोरोना में। इस लड़ाई को आप लोगों के बिना हम लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए जितने भी हमारे बिहार के लोग, सभी लोग हैं, हाथ जोर से विनती करते कि आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए, साथ दीजिए, ताकि सरकार को जगाने का काम करें, लाइन पे लाने का काम करें। 15 साल हम लोगों को बोलते रहे, अरे हम लोगों से जो गलती होगी, हम तो तेजस्वी पैदा बच्चा था उस समय 15 साल पहले। लेकिन जो भी हमारी पार्टी की सरकारें होंगी, अगर कुछ गलतियां होंगी तो जनता ने सजा दी। 15 साल हम लोग विपक्ष में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आप तो पलायन रोकने आए थे, आप तो रोजगार देने आए थे, आपने 15 साल में क्या किया? जहानाबाद में वीडियो देखते हैं, दर्दनाक वीडियो देखते हैं, जहां बच्ची को गोद में लेकर की मां उसका शव लेके जा रही है, कलेजा फट जाता है। लेकिन सरकार के मुंह से एक चंद शब्द भी अफसोस का नहीं निकलता है। ये सवाल हम लोगों से करते, कह रहे लालू जी जब रेल मंत्री थे तब पूरे रेलवे का यातायात फ्री किए थे, जब कोसी में बाढ़ आया था 1100 करोड़ का अपना 1 करोड़ सैलरी जो था वो डोनेट उन्होंने करने का काम किया। 14 लाख रेलवे कर्मचारी थे, एक एक दिन का उनका जो है तनख्वाह वो दिलाने का काम किया बिहार के लोगों को। पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोग यूपीए सरकार में थे, लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, मनरेगा योजना लाई ताकि लोगों को काम मिले बिहार में। हम लोग बेरोजगारी यात्रा पर निकले थे, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा को रद्द करना पड़ा। और बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, हम लोग बार बार कहते रहे डोमिसाइल नीति हो ताकि बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिले। लेकिन यह सारा सवाल राजनीति करने का अभी नहीं है, अभी यही सवाल है नीतीश कुमार जी, कोई पैतरेबाजी, कोई बहानेबाजी अब नहीं चलेगा। ये नए गाइडलाइन का हवाला आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा, ये नए गाइडलाइन का हवाला आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा। और हमारे मजदूरों को आप लोग, हम सब लोग से सहयोग लीजिए, हम लोग लाने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सभी जितने भी फेसबुक पे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो अभी लाइव सुन रहे हैं, उन सब से भी अपील करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, सच्चाई नहीं बताई गई हैं, आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, असली में सच्चाई को छुपाया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, सरकार की कमियों को गिनाने का काम करें, जगाने का काम करें। अगर हम लोग आज ये काम नहीं करेंगे तो समझिए कि जितने भाई हमारे 40 लाख बिहार के लोग हैं वो बाहर फंसे रहेंगे। और हमको उनको लाने का काम करना है, उनको पेट भरने का काम करना है। इसलिए इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया में साथी अभी जुड़े हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसी प्रकार से साथ देते रहें और सरकार की नींद को जो है जगाने का काम करें नींद से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सोचा कि ये महत्वपूर्ण बात है, ये जनता तक बात ये पहुंचनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि इस बात को जो है आप लोग जो है पहुँचाने का काम करें, सच्चाई को बताने का काम करें, और इस निकम्मी डबल इंजन सरकार के नींद को आप लोग जो सोई हुई है चैन से, उसको आप लोग जगाने का काम करें। जोर तोड़ खाली करना है, जनादेश का अपमान करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, बस यही काम रह गया। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि इन बातों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएं, खासतौर पे अपने पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वर्कर हैं, MLA हों, MP हों, उन सबको भी कहेंगे कि क्षेत्र में रहें, क्षेत्र की समस्याओं को निपटें, लोगों की परेशानी को सुने, अपना फ़ोन ऑन रखें, जो भी दिक्कत हो आप लोग हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए। 2000 बसों का हमने इंतज़ाम कर रखा है,
बिहार सरकार से हमने कई बार पूछा है, बस कहाँ भेजना है, ट्रेन का किराया चेक तैयार है, आपको हम कब सुपुर्द कर दें, आप बताइए, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कह करके फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे और सच्चाई को बताने का काम करेंगे। आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग बनता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है हम आपको धन्यवाद देते हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लोग कहते हैं कि खाली बयानबाजी कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं दे रहे। सहयोग लोगे तब तो दिखेगा। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोग एक राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, एक वोट बैंक के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि इंसानियत के लिए करना चाहते हैं, गरीबों का दर्द को बांटना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, एक इंसान होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते। ये कोई राजनीति नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। फिर आप लोगों से मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।